हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बिनय और आप लोग देख रहे हो बिनय टेक। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ हाउ टू ओपन SBI ज़ीरो बैलेंस माइनर सेविंग अकाउंट ऑनलाइन। आप लोग कैसे ओपन कर सकते हो SBI ज़ीरो बैलेंस माइनर सेविंग अकाउंट, तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। मैं आप लोगों को फुल डिटेल में बताऊँगा क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, क्या क्या और क्या एलिजिबिलिटी है और क्या फीचर्स है इस माइनर सेविंग अकाउंट का, ठीक है। तो वीडियो पूरा फुल दिखेगा और लास्ट तक बने रहिएगा सो दैट आप लोग इजिली जान पाओगे कैसे आप लोग को माइनर सेविंग अकाउंट ओपन करना है अपने बच्चे के नाम पे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग हैं SBI का ऑफिशियल वेबसाइट में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, अकाउंट, इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट, लोन्स, कार्ड एंड डिजिटल, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को अकाउंट सेक्शन पे चले आना है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, सेविंग अकाउंट, सैलरी अकाउंट, करंट अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को सेविंग अकाउंट में बहुत सारा अकाउंट दिया गया है, ठीक है, लाइक बेसिक सेविंग अकाउंट, बेसिक सेविंग, बैंक डिपॉजिट, स्मॉल अकाउंट और बहुत सारा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को क्लिक करना है सेविंग अकाउंट फॉर माइनर, ठीक है, ये वाला। तो उसके ऊपर क्लिक करना है आप लोग को। तो हम लोग आ चुके हैं सेविंग अकाउंट फॉर माइनर पेज में, ठीक है। तो पहले मैं एलिजिबिलिटी बताऊंगा, फिर फीचर्स बताऊंगा, फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा मैं आप लोग को बताऊंगा इस अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सेविंग अकाउंट फॉर माइनर जो है वो है पहला कदम और पहली उड़ान, ठीक है। ये दो अकाउंट ओपन कर सकता है कोई भी माइनर, ठीक है। आर कंप्लीट बॉकेट्स ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट दैट विल नॉट ओनली हेल्प चिल्ड्रन लर्न टू इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग मनी बट विल ऑल्सो अलाउ देम टू एक्सपेरिमेंट विद देयर बाइंग पावर ऑफ मनी, ठीक है। तो ये जो अकाउंट है ये आप लोग ओपन कर सकते, ये दो अकाउंट, ठीक है। बोथ द सेविंग अकाउंट आर फुली लोडेड रिप्लेट विद बैंकिंग फीचर्स लाइक इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। तो यहाँ पे जो ये दो अकाउंट है ये फुली लोडेड अकाउंट है और यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी मिल जाता है, विच विल नॉट जस्ट एक्वेंट चिल्ड्रन विद द डिफरेंट चैलेंज ऑफ मॉडर्न डेज बैंकिंग बट ऑल्सो टीच देम द नुएंसेस ऑफ पर्सनल फाइनेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये दो सेविंग अकाउंट जो है वो फुली लोडेड अकाउंट है, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी मिल जाता है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, पहला कदम जो है, जो अकाउंट है वो माइनर ऑफ एनी एज कैन ओपन दिस अकाउंट, दिस अकाउंट विल बी जॉइंटली ओपन विद द पेरेंट और गार्डियन, ठीक है। तो उनके गार्डियन जो है वो अपने बच्चे के साथ पहला कदम जो अकाउंट है वो ओपन करवा सकते हैं, ठीक है। सेकेंड है पहली उड़ान, ठीक है। माइनर अबव द एज ऑफ 10 ईयर्स, तो जो माइनर है 10 ईयर अबव होना चाहिए, हु कैन साइन यूनिफॉर्मली, जो साइन कर सकते हैं खुद से, ठीक है। दिस अकाउंट विल बी ओपन इन द सोल नेम ऑफ द माइनर, ठीक है। तो ये जो अकाउंट है ये माइनर के नाम पे ही ओपन होगा। और मोड ऑफ ऑपरेशन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, पहला कदम जो है जॉइंटली विद द पेरेंट्स और गार्डियन और सिंगली बाय पेरेंट और गार्डियन, ठीक है। तो यहाँ पे जॉइंटली या फिर सिंगली बाय पेरेंट और गार्डियन के साथ आप लोग ओपन कर सकते हो। पहली उड़ान जो है वो सिंगली ऑपरेटेड होगा बाय द माइनर, ठीक है। तो आप लोग जान चुके होंगे पहला कदम कौन ओपन कर सकता है और पहली उड़ान कौन माइनर ओपन कर सकता है, ठीक है। तो कोई भी पेरेंट्स अगर आपके बच्चे के नाम पे ओपन करना चाहते हो अकाउंट, तो ये दो बात ध्यान रखिएगा, पहला कदम जो है वो माइनर ऑफ एनी एज कैन अप्लाई फॉर दिस अकाउंट और पहली उड़ान जो है माइनर अबव 10 ईयर्स ऑफ एज कैन ओनली ओपन दिस अकाउंट, ठीक है। और मैं अभी बताने जा रहा हूँ फीचर्स। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, पहले से मैं बता दिया हूँ इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी और मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाता है। तो फीचर्स में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मंथली एवरेज बैलेंस जो है रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को कोई भी मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके नहीं चलना पड़ेगा। मैक्सिमम बैलेंस जो है 10 लाख रुपीज, ठीक है, आप लोग रख सकते हो। चेकबुक पहला कदम अकाउंट जो है उसमें चेकबुक अवेलेबल है, वायर मोबाइल नंबर ऑफ द अकाउंट होल्डर इज रिकॉर्डेड, स्पेशली डिजाइंड पर्सनलाइज चेक विथ 10 चेक लिप्स, ठीक है, विल बी इशू टू द गार्डियन इन द नेम ऑफ द माइनर अंडर गार्डियन, ठीक है। फिर पहली उड़ान जो है चेकबुक आर अवेलेबल, वायर मोबाइल नंबर of the account holder is recorded, special designed personalized checkbook with 10 checklists will be issued if the minor can sign uniformly, ठीक है। तो दोनों account में checkbook available है, ठीक है। Photo ATM cum debit card यहाँ पे आप लोग को मिल जाता है। पहला कदम child photo embossed ATM cum debit card withdrawal और POS limit जो है 5000 तक इस अकाउंट से कोई भी माइनर विड्रॉ कर सकता है। कार्ड विल बी इशूड इन द नेम ऑफ माइनर एंड गार्डियन, ठीक है, दोनों के नाम पे इशू होगा वो कार्ड। पहली उड़ान जो है फोटो एम्बोस्ड ATM कार्ड विथ विड्रोल और POS लिमिट और POS लिमिट ₹5000 विल बी इशूड इन द नेम ऑफ माइनर, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो पहली उड़ान है अकाउंट है वो जो ATM कम डेबिट कार्ड है वो माइनर के नाम पे डायरेक्टली इशू हो जाएगा, लेकिन पहला कदम में गार्डियन के साथ आपको जॉइंटली लेना होगा। और मोबाइल बैंकिंग यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, पहला कदम जो है विथ व्यूइंग राइट्स एंड लिमिटेड ट्रांजेक्शन राइट लाइक बिल पेमेंट, टॉप अप,
पर डे ट्रांजेक्शन लिमिट ऑफ 2000, ठीक है। तो यहाँ पे पहला कदम में 2000 लिमिट रखा गया है, ठीक है। और पहली उड़ान में जो है विथ वीम राइट्स एंड लिमिटेड ट्रांजेक्शन राइट लाइक बिल पेमेंट टॉप अप IMPS पर डे ट्रांजेक्शन लिमिट ऑफ टू 2000 रुपीज़ यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। और ऑटो स्वीप फैसिलिटी विथ ए मिनिमम थ्रेशोल्ड ऑफ 20,000, स्वीप इन मल्टीपल ऑफ ₹1,000 विथ ए मिनिमम ऑफ 10,000, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटो स्वीप फैसिलिटी मिल जाता है। इंटरनेट बैंकिंग यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, पहला कदम में विथ इंक्वायरी राइट्स एंड लिमिटेड ट्रांजेक्शन लाइक बिल पेमेंट ओपनिंग ई टर्म डिपॉजिट, ठीक है। फिर ई स्पेशल टर्म डिपॉजिट, ई रिकरिंग डिपॉजिट, इंटर बैंक फंड ट्रांसफर एंड इशू डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। यहाँ पे मिल जाता है ये सब चीज़ पहला कदम में। पर डे ट्रांजेक्शन लिमिट जो है 5,000 रुपीज़, पहली उड़ान जो है विथ इंक्वायरी राइट्स एंड लिमिटेड ट्रांजेक्शन लाइक बिल पेमेंट ओपनिंग ई टर्म डिपॉजिट, ई स्पेशल टर्म डिपॉजिट, इंटर बैंक फंड ट्रांसफर एंड इशू डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। ये सब भी मिल जाता है पहली उड़ान अकाउंट में। और पर डे ट्रांजेक्शन लिमिट जो है 5,000 रुपीज़ है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो पहला कदम और पहली उड़ान अकाउंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ कुछ डिफरेंस है। तो पहला कदम अकाउंट जो है वो पेरेंट्स के साथ, वो जो अकाउंट है वो माइनर पेरेंट्स के साथ जॉइंटली अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। और पहली उड़ान जो अकाउंट है वो एक सिंगल अकाउंट होता है, ठीक है, जो कि माइनर के नाम पे होता है, ठीक है। तो ये रहा फीचर्स पहला कदम और पहली उड़ान का, ठीक है। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ KYC रिक्वायरमेंट, यानी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो KYC रिक्वायरमेंट, पहला कदम जो अकाउंट है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ ऑफ माइनर प्लस KYC ऑफ पेरेंट। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चाहिए माइनर का और KYC चाहिए पेरेंट का। और पहली उड़ान में जो है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ ऑफ माइनर और KYC ऑफ पेरेंट, ठीक है। अदर फीचर्स में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इंटरेस्ट रेट एज एप्लीकेबल टू सेविंग अकाउंट कैलकुलेटेड ऑन ए डेली बैलेंस, ठीक है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ अकाउंट टू एनी SBI विदाउट चेंजिंग द अकाउंट नंबर, बहुत ही अच्छा फैसिलिटी है। नॉमिनेशन फैसिलिटीज अवेलेबल एंड रिकमेंडेड, ठीक है। नॉमिनेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्पेशली डिजाइन्ड ब्रांडेड पासबुक इशू फ्री ऑफ चार्ज, ठीक है। इंटर कोर चार्जेस नील फॉर ट्रांसफर ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये रहा KYC डॉक्यूमेंट और अदर फीचर्स, ठीक है। तो KYC में जैसे पेरेंट्स आप लोग आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आप लोग कुछ भी ले सकते हो। बच्चों लोग का बर्थ सर्टिफिकेट ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कोई भी अकाउंट ओपन करते वक्त, ठीक है। तो बर्थ सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिएगा अगर नहीं है आपके पास, ठीक है। तो मैं अभी अप्लाई करके आप लोग को बताऊंगा कैसे आप लोग अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक ऑप्शन है अप्लाई नाउ, उसके ऊपर आप लोग को क्लिक करना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपनिंग ऑलरेडी अप्लाइड एग्जिस्टिंग कस्टमर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दो ऑप्शन मिल रहे हैं, अप्लाई नाउ रिज्यूम, ठीक है। तो मैं नया अकाउंट ओपन करने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ। अगर आप लोग कोई अकाउंट ओपन कर रहे हो और बीच में इंटरनेट कनेक्शन या फिर कोई कारण से कुछ प्रॉब्लम आया, देन यहाँ पे आप लोग रिज्यूम कर सकते हो अपना एप्लीकेशन को, ठीक है। तो मैं न्यू अकाउंट ओपन करने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अकाउंट ओपनिंग प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्लीज प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल टू रिसीव OTP, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को मोबाइल नंबर एंटर करना है, ईमेल एड्रेस एंटर करना है, फिर रेफरल कोड अगर कोई है तो यहाँ पे आप लोग को दे देना है, ठीक है। और सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में सिंगल ब्रांच विजिट, आप लोग को ब्रांच विजिट करना पड़ेगा माइनर के साथ, ठीक है, क्योंकि माइनर के नाम पे अकाउंट ओपन हो रहा है। और कन्वर्ट टू जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंंट, चेक फॉर सैलरी पैकेज टाई अप विथ SBI, ठीक है, ये आपको चेक करना है। पैन इज मैंडेटरी, स्टेटमेंट आर ईमेल्ड मंथली बेसिस पे ईमेल किया जाता है। पेपरलेस अकाउंट ओपनिंग, सिंगल ब्रांच विजिट रिक्वायर्ड, पर्सनलाइज्ड डेबिट कार्ड यहाँ पे आप लोग को मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह आप लोग अकाउंट ओपन कर सकते हो माइनर के लिए इन SBI। और ये जो अकाउंट है ये आपको विजिट करना पड़ेगा ब्रांच माइनर के साथ, ठीक है, सो दैट वो फर्दर प्रोसेस कर पाए, ठीक है। तो इस तरह आप लोग ओपन कर सकते हो SBI का माइनर अकाउंट। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा, प्लीज टू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिना टेक। थैंक यू।